हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे एक क्लास टेंथ जो बिहार बोर्ड है ना, क्योंकि उनका अब एग्जाम नजदीक ही आने वाला है, यानी फरवरी में हो जाएगा, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है और उनका फरवरी में एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ऑब्जेक्टिव हम लोग कहां से याद करें। स्टूडेंट की ऐसे रिक्वेस्ट आती है कि सर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव का बुक बताइए जो हमारे लिए अच्छा हो। तो मैं उसी वीडियो को लेकर आ चुका हूं आपके साथ मेरे दोस्त। इसमें ऐसे बुक के बारे में बात करूंगा जिसको आप उसके उस बुक के हर एक चैप्टर वाइज उसमें ऑब्जेक्टिव है, अगर जो उसको अगर जो आप लोग बना लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपको बहुत अच्छा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे मेरे दोस्त। क्योंकि इस बुक में जो है ना, इस बुक की खासियत क्या है, जो होता है क्या है, हर एक चैप्टर के जो बेसिक नॉलेज जो होता है ना चैप्टर का, एकदम भीतर की पूरी एकदम बारीकी से ऑब्जेक्टिव पूरा डाल दिया हुआ है इस बुक ने। इतना बेहतर बुक है जो मैं अपने फ्रेंड बच्चों को हम पढ़ाते हैं वहां पे रिकमेंड है, बहुत बेस्ट बुक है। तो उस बुक का नाम क्या है, तो मैं दोस्त सब्र करो, मैं पूरा आपको डिटेल करूंगा। और इसमें जो हम बात करूंगा उसका जो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है, उसकी 20 से 25 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको उस बुक के बारे में डिटेल कर देते हैं। जो बुक है ना, बहुत बेहतर बुक है आपके लिए, क्योंकि उस बुक को पढ़कर आप बहुत अच्छे नंबर बुला सकते हैं। तो बुक कौन सा है, कौन सा पब्लिकेशन का है, तो मेरे दोस्त देखेंगे यह जो बुक है आशीष पब्लिकेशन का, ऑब्जेक्टिव पब्लिकेशन आशीष है और इसमें बुक का नाम है टारगेट। क्योंकि इस तरह की मार्केट में बहुत सारे बुक है, उस बुक को आपको लेना नहीं, क्योंकि इस यह जो बुक है ना बड़ी कमाल की बुक है। क्योंकि बहुत सारे जो टीचर भी होते हैं ना वो बुक को लेते हैं, लेकिन इस बुक का ऑब्जेक्टिव जो अपने आप को कॉपी कर लेते हैं और कहते कि है बच्चों को मैंने खुद से लिखा हूं। मेरे भाई ये जो 90% जो वेस्ट जो टीचर है ना इसी बुक को रिकमेंड करते हैं, इसी बुक की मदद से अपने ऑब्जेक्टिव सेट को तैयार करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये जो बुक है बहुत बेस्ट बुक है, यानी कौन सा है, आशीष पब्लिकेशन आशीष होनी चाहिए और टारगेट क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर है विद मॉडल पेपर, क्योंकि पीछे आपको एक दो मॉडल पेपर इसमें दिए होंगे, ठीक है, जैसे मैथ्स का, साइंस का, सबका मॉडल पेपर दिए होंगे। तो ये बुक मैं आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूं, इस बुक को आप लेकर बहुत अच्छा नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो, इस बुक को मैं आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूं। तो इसमें जो हम बात करेंगे मैथमेटिक्स यानी गणित का चैप्टर फर्स्ट है, यानी चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या, उसी की ऑब्जेक्टिव सेट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। चैप्टर फर्स्ट में आपका 116 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स का, पूरा एकदम कहते हैं ना पूरा डिटेल कर दिया ये बुक ने, इतना डिटेल कर दिया क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव आपको आराम से याद होने की, और ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो तो आपका 50% मार्क्स, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में 50% मार्क्स आपको आसानी से आ जाएंगे इस बुक ही से, क्योंकि यह बुक बहुत ही बेस्ट बुक है आपके लिए, ठीक है। तो हम इसमें हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल करके आपको समझा देंगे। तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन के बारे में दोस्त बात करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आपके यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट वाले जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सह अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है, चाहे है चाहे होता है। तो सह अभाज्य का मसा आप लोग जानते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, सह अभाज्य संख्या का जो मसा होता है, सह अभाज्य संख्या का मसा कितना होता है, तो एक होता है उसका मसा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है उसका गुणनफल क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का, पूरा डिटेल करके हम आपको समझा देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2166, ठीक है। फिर आगे कह रहा है और उनका मसा, ये दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं उसका मसा, यानी इसका मसा हमको कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका लसा निकालिए, तो लसा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना, और इसको हम लोग कितना से भाग कर देंगे, तो इसको 19 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 114 आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो गया 114, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। फिर आता है क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, देखते चलेंगे, यह बुक को आप ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ए बराबर, ए का मान दिया है 2 की पावर 3, फिर 3 गुना और 5, और बी का मान इसमें दिया हुआ है 2 की पावर 4,
फिर 5 × 7 इसका क्या कह रहा है, तो इसका लसा कह रहा है निकालने के लिए। देखिए मेरे भाई, लसा जो दोनों में मिलता है उसको एक बार हम लेते हैं, इसमें पावर 3 मिलेगा तो 2 की पावर 3 एक एक्स्ट्रा है, यानी सबसे बड़ा कौन है, यही ना 2 की पावर 4। अब इसमें देखिए 5 मिल गया, तो 5 एगो 3 और 1 7 है, इसको गुना कर लेंगे, 2 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 × 3 × 5 16 × 5 = 80। इस सबको गुना कर लेंगे 80 और 7 = 21 तो 8 और 8 × 16 कितना हो जाएगा 1680 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। इसमें कह रहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक क्या होगा, जिसके लास्ट में कितना होगा 1 होगा वही इसका विषम पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इसमें जो हम आपके क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें से कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, तो क्वेश्चन है 27 है 35 है 13 और 56। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसे संख्या यानी एक से बड़ी वैसे संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी दूसरे से विभाजित नहीं होता है उसी को हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 27 तो भैया 3 से 9 से विभाजित हो जाएगा, 35 7 5 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 13 किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन सी आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका 13 हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 आता है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय के लिए क्या होता है अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि वैसी संख्या यानी वैसी संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर होता है यानी धनात्मक संख्या होना चाहिए, वैसे धनात्मक संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा ना उसी को हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे कि देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में √17 का वर्गमूल नहीं होगा अपरिमेय संख्या, यहाँ पे यही हो जाएगा यानी 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। आपका जितना मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं सब के स्क्रीन पर फ्लैश होंगे क्योंकि किसी साइड में आपके स्क्रीन पर उस क्वेश्चन को मैं आपको वहां पे डाल दूंगा, आप क्वेश्चन को उसको देख लेंगे वहां पे लेकर या वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 से कितना हो जाएगा 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3। इसमें कह रहा है कि 2 का कितना अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, तो 2 का ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 में है करण मुख्य संख्या के, तो इसमें 2 कितना बार हो गया, तो 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 यानी इसमें 2 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड 4 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8 करण निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के अगर जो वर्गमूल में होगा उसको पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या है। जैसे में आपका ऑप्शन है 1/√1/144 तो 1 का ही वर्गमूल 1 होता है, 144 का वर्गमूल 12 है, यानी ऑप्शन फर्स्ट है इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 5 नंबर समझाया हूं सेम क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या वही मैं आपको समझाऊ कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी दूसरे में विभाजित नहीं होगा। 91 है 13 से हो जाएगा 13 से 91, 213 भी हो जाएगा, 41 जो संख्या है वो किसी से विभाजित नहीं होगा, तो इसका जो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 41 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार स्थानांक है। ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन इसका दशमलव प्रसार स्थानांक होता है, तो दशमलव प्रसार स्थानांक के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, जिसके हर में 2 और 5 का गुणनफल होगा, केवल 2 का हो या केवल 5 का हो वही कौन सा होगा उसे को हम लोग शांत कहते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा संख्या हो उसको हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं उसको अशांत कहते हैं। तो इसमें अशांत हमें पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो देखिए ऑप्शन हम पहले लिख देते हैं 23/50 पहला ऑप्शन, फिर ए नंबर ऑप्शन है, फिर आता है बी नंबर ऑप्शन 39/343, ऑप्शन सी 25/16000, फिर ऑप्शन डी 13/625,
अब देखिए, अब हाथ गुणनखंड करेंगे इसका, 10 पचे 50 यानी 10 का गुणनखंड दुगुने 5 ये हो गया, और इसका कीजिएगा तो यह 7 का क्यू है। हमें अभाज्य संख्या पूछ, सॉरी अशांत पूछ रहा है, तो अशांत कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका 39/343 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन आता है, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी कह रहा है कि अशून्य परिमेय संख्या होगा एगो शून्य परिमेय, क्या है क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय और अशून्य अपरिमेय, इस दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा यानी ये कह रहा है एगो परिमेय संख्या लिखे जो जीरो नहीं हो, एगो अपरिमेय संख्या लिखो जो जीरो नहीं है, जैसे कि परिमेय संख्या 2 लिख दिया, परिमेय संख्या √3, दोनों को गुणा करेंगे तो हमेशा कौन सा संख्या देगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या वहां पर हमारे पास आएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो 11 नंबर का हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन इसका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बुक आपके पास अगर आप लोगों ने ले रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, हमारी वीडियो को देखकर उस पूरे क्वेश्चन को हम आपको डिस्कस कर लूंगा बारी बारी से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपकी उस समस्या को समाधान करने के लिए दोस्त। फिर आता है 12 नंबर क्वेश्चन का है, 45 और 60 का लसा निकालना है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 45 और किसका लसा निकालना है, 60 का, तो लसा कैसे भी निकाल सकते हो क्या, सॉरी मसा निकालना है, सॉरी मसा निकालना है, तो मसा किस तरीका से ऐसे ही कर लो, ऐसे निकलना है, तो 45 से कम 45 15 हो जाएगा, और 45 लिखेंगे तो 15 दिया कितना हो जाएगा 45, तो इसका आंसर क्या हो गया 15, यानी लिख सकते हैं मौसा इसका कितना, तो इसका 15, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। फिर आ जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, π/3 क्या है, तो π/3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या, उसमें कितनों से गुणा करेंगे या भाग करेंगे क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। फिर आता है 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) हमें दिया हुआ है, देखेंगे मेरे भाई f(x) हमें दिया गया है और x का क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x + 2, इसमें कहा है कि f(1) निकालने के लिए जहां जहां x है वहां वहां एक मान रख दीजिए मेरे दोस्त, आ जाए वो आपका राइट वाला आंसर। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ये हो जाएगा 5, 2 एकम 2, फिर प्लस 2, अब देखिएगा इसको 2 2 4 5, 5 - 5 क्या हो जाएगा, f(1) का मान क्या आ गया हमारे पास, तो f(1) का मान 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कितना नंबर, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 0.7 पर क्या है, रेकर्डिंग वाला चिन्ह है, तो इसको हम लोग किस तरह, पहले लिखते हैं हम लोग संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या लिख ले, रेकर्डिंग से पहले अंक की संख्या 0, जितना पर रेकर्डिंग है उतना 9, उसके बराबर 9 की संख्या, रेकर्डिंग और दशमलव के बीच कोई संख्या नहीं तो कोई 0 नहीं होगा, इसका आंसर 7/9 इसका आंसर हो गया। आता है 16 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 8^0, 16 नंबर क्वेश्चन, 8^0 फिर 2^0, कोई भी संख्या है उसका पावर अगर 0 होता है, आप लोग पढ़ क्या होंगे घातांक करने के नियम से, यानी किसी का पावर अगर 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो 1 × 1 इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए और बी एक अभाज्य संख्या है, ए और बी एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब किसी संख्या से हुआ गुना चाहे किसी संख्या से हुआ विभाजित नहीं हो रहा है, उसका कह रहा है लसा निकालने के लिए, तो मेरे भाई अभाज्य संख्या का लसा क्या होता है, दोनों को गुणा कर दीजिएगा ना, वही इसका आंसर हो जाएगा, 17 नंबर हो गया। फिर आता है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो मैंने अभाज्य संख्या आपको पहले ही बता दिया हूं, एक से बड़ी ऐसी संख्या होता है जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी दूसरे से विभाजित नहीं होता है मेरे भाई, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 18 का ऑप्शन फर्स्ट है 15, ऑप्शन बी दूसरा है 23, तो ऑप्शन दूसरा ही 23 हो जाएगा, 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 23 है इसका आंसर। 19 नंबर, 19 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है,
तो हम ऑप्शन लिख रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन है पहला 2 - √3, दूसरा है √5, तीसरा ऑप्शन है 2√3/√3, और चौथा जो डी आंसर है लास्ट वाला ऑप्शन है √6। इसमें से हमको बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो मेरे भाई देखिएगा, ये तो अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय, √2 से √2 काट देंगे क्या बचेगा 2, यही हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करके देते हैं, ये जो बुक है ना पूरा डिटेल कर देता है एकदम बारीकी बारीकी से, चैप्टर्स के भीतर से, क्वेश्चंस के भीतर से, इस तरह से ऑब्जेक्टिव सेट को निकालता है जो आपके लिए बेटर रहता है, आपके लिए समझने में आसान होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत प्रैक्टिस करवा देते हैं। ये जो बुक है, ये पब्लिकेशन है, इतना प्रैक्टिस आपको करवा देगा कि आप बहुत आसान लगने लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव हो, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिटेल आपको कर देता है ये पब्लिकेशन। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, 20 नंबर। अब 20 नंबर प्रश्न क्या है क्वेश्चन हमारे आपके लिए, चलिए देखिएगा। कह रहा है कि 65 और 117 का मौसम, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 65 और 117 का मौसम कितना है, 65 - 117 के रूप में। यह हम लिखते थे क्वेश्चन 65 और 117 का मौसम किस रूप में है, 65 m - 117। इस दोनों का मौसम, मौसम पहले हम लोग निकालेंगे 65 और 117, तो 65 एकम 65, इसको हम जैसे माइनस करेंगे 7 में से 5 2 6 5 11 52, ये 65 है, तो 52 एकम 52 कितना हो जाएगा 13, और यह 52 13 चौका 52, यानी इसका मौसम कितना आ गया 13 आ गया। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे, तो इसका मौसम क्या है 13, और 65 m - 117, 117 इधर माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो 13 + 117 = 65 m, इस दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा हमारे पास दोस्त, 130 हो गया, 65 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर m, 65 × 130 होता है, तो यहां पर हमारे पास जो m का जो मान आ गया कितना आ गया, m का मान, तो m का मान 2 आ गया। ये 20 नंबर क्वेश्चन है। इस तरह की प्रैक्टिस अगर ज्यादा आपके जितने ज्यादा प्रैक्टिस रहेंगे उतने आपको समझ में ज्यादा आएगा मेरे भाई, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। फिर आता है 21 नंबर क्वेश्चन, क्या आता है 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2, 10 और 20 का मौसम और लसा का अनुपात। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीका से बनाते हैं, कह रहा है कि 2, 10 और 20 मौसम और लसा, पहले इसका लसा निकाल लीजिए, तो लसा सबसे बड़ा संख्या 20 है तो लसा 20 हो, मौसम सबसे छोटा संख्या 2 है तो इसका मौसम कितना होगा तो 2 होगा। अब मेरे भाई कह रहा है कि इसका अनुपात निकालिए, तो इसका अनुपात निकालना है, ऊपर में लिखना है लसा का मान 20 मौसम का मान 1, तो 2 एकम 2 और 2 दही 20, तो क्या हो जाएगा 10 अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 21 का, ऑप्शन नंबर हमारे पास 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम, तो सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या कितना होता है 2 होता है। अब उसका मौसम निकालना है, तो मौसम निकालेंगे तो 2 एकम 2 यानी आंसर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी आंसर कितना हो गया, तो आंसर इसका 2 हो गया 22 का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसम। तो मेरे भाई लगातार संख्या जहां पर आपको पूछेगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसम पूछेगा, तो 2 लगातार संख्याओं का मौसम 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग लिख सकते हैं कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना 1, और ऑप्शन नंबर इसका कितना है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 23 का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, चलिए गुणनखंड करते हैं, कितना से लगा दे इसको 5 से पहले हम लगा देते हैं 5 से 1001, ठीक है, ऐसे तो 3 से पहले लगता, 3 से चेक कर लेते हैं हम लोग, 3 एकम 3 20 3 6 18 2 20 3 6 फिर 18 2 नहीं लग रहा है क्या, 5 से चेक कर लेते हैं, उस बात कोई संख्या से लगेगा। अब 7 से चेक कर लेते हैं, 7 एकम 7
सात चौके 28 और सात त्रि 21। अब कितना से, सात से तो लगेगा नहीं, 11 से लगेगा क्या, 11 एकम 11, 3 11 के 33। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो 1 2 3 4। आंसर में क्या है, 4 है, यानी 24 का ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड, तो 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। फिर लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम देख लेते हैं, 25 नंबर, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया हूं कि हर एक वीडियो में हम लोग 25-25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको कंप्लीटली पूरा बारीकी से हम लोग समझाते हुए चल रहे हैं मेरे भाई। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। देखिएगा कितना दो अंक की संख्या, तो दो अंक की संख्या कहां से शुरू होता है, 10 से लेकर कहां तक, 99 तक। अब कह रहा है कितना से विभाजित है, तो 3 से विभाजित है। इसके लिए हम लोग एक लॉजिक लगाएंगे, या हम लोग पढ़े हैं, यानी हम लोग पढ़े हुए इसमें एपी में, एपी में पढ़े हैं, तो इसको 3 से विभाजित 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, ऐसे डॉट डॉट 99 तक जाएगा ना। तो इसमें हमको दिया हुआ है एन का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना हो गया 12, ए प्लस, फॉर्मूला वही लगा क्योंकि हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए वही फॉर्मूला से। ए 99 है, अब ए का मान 12, एन का मान नहीं मालूम और डी का मान 3 है, तो 99 बराबर 12 प्लस 3 से गुना करेंगे, 3 n - 3, 12 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 3 n, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, बराबर 3 n, इसको हम घटाएंगे तो क्या हो गया 90 बराबर 3 n, 3 गुना में रहेगा तो भाग में, 90 बटा 3 बराबर n, इसको करते हैं तो n का मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा 25 का। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले बताऊं कि चैप्टर के बीच से गहराई से लेकर आता है पब्लिकेशन, आपके क्वेश्चन को पूरा मैंने डिटेल कर दिया हूं पहले वाले वीडियो में, हम 25 से क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त। और जैसे जैसे हम लोग वीडियो को अपलोड करेंगे आपके क्वेश्चन की संख्या 25 हो, किसी वीडियो में 50, इस तरह से पूरा आपको सीरीज लेकर आऊंगा जो आपको पूरा कंप्लीटली करा दूंगा मेरे दोस्त। ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो आपके क्लास टेंथ की प्रिपरेशन करो उनको तो मालूम चले कि हम कौन सा पब्लिकेशन का बुक पढ़े, किस तरह की बुक पढ़े, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक कंफ्यूज में जीते हैं कि कौन सा बुक पढ़े, किस बुक का ऑब्जेक्टिव हम लोग याद करें, कौन, बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन मार्केट में आए हुए हैं, कौन अच्छा होगा, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं इसी पब्लिकेशन के बारे में पढ़िए, बहुत बेस्ट बुक है। ऐसे में हिंदी इंग्लिश सब पास सीरीज लेकर आपके लिए आऊंगा मेरे दोस्त, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।